हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2019 के बारे में। और इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो है ये, क्योंकि इसमें मैं आपको टॉप 5 पुरस्कार के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी पुरस्कार नहीं देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो सबसे पहला पुरस्कार मैंने कलेक्ट किया है वो है 28वां व्यास सम्मान 2018, किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, 28वां जो व्यास सम्मान 2018 दिया गया वो है लीलाधर जगूड़ी को। ठीक है, और इनको किसके लिए दिया गया, तो इनकी जो कविता थी जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। तो ये तो बात होगी कि 2018 में किनको मिला था, लेकिन अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ ले कि 2017 में यानी कि 27वां व्यास सम्मान 2017 किनको दिया गया, तो मैंने यहाँ पर आपको वो भी बता दिया है जो कि 27वां व्यास सम्मान 2017 दिया गया ममता कालिया को। और ये जो आपका पूछा गया था पिछले साल के एग्जाम्स में, भर भर के एग्जाम्स में आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी लीलाधर जगूड़ी को। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि पूछे जाएंगे। और इनकी उपन्यास थी दुखम सुखम, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो तस्वीर है आप राइट साइड में देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला पुरस्कार जो मैंने कलेक्ट किया है वो हमारा है 28वां सरस्वती सम्मान 2018। सरस्वती सम्मान 2018 जो कि 2019 में दिया जाएगा किनको मिला है, तो के शिवा रेड्डी को मिला है। और ये एक तेलुगु कवि हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी काव्य संग्रह क्या थी, तो पक्की अतीत गीले थे। ठीक है, अति गीले थे इनकी जो काव्य संग्रह थी, उनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया 28वां सरस्वती सम्मान 2018। ठीक है, अब देखिए अब बात कर लेते हैं 2017 में किनको मिला, तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सरस्वती सम्मान 2017 किनको दिया गया था, तो सितांशु यशचंद्र को मिला था। और ये गुजराती कवि हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनका काव्य संग्रह क्या था, तो वखार के लिए इनको ये मिला था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 2017 में पूछा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। 2018 में जो एग्जाम्स हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। 18 और 17 दोनों आपको ध्यान रखना है कि किन किन को मिला है। क्लियर, चलिए अगला आप देखते हैं। नेक्स्ट जो पुरस्कार मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अंग्रेजी लेखक को दिया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में किनको दिया गया, तो ये अमिताभ घोष को दिया गया। इनकी पुस्तक जो थी द शैडो लाइन्स, उनके लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। और ये पहला बार ऐसा हुआ है किसी अंग्रेजी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आपके सामने ये रहे आपके जो अमिताभ घोष जी, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 2017 की बात करें, 2017 में ये पुरस्कार किन्हें मिला है, तो आप देख सकते हैं कृष्णा सोवती जी को मिला था 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017। ठीक, क्लियर, कृष्णा सोवती, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है पीछे। तो सभी क्वेश्चन अब मैंने जो कि बताया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो इससे बाहर आपके पेपर में कोई नहीं देखने को मिलेंगे। और लास्ट जो पुरस्कार, दो पुरस्कार है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, तो राणा दास गुप्ता को दिया गया। और आपके सामने पिक्चर ये रहा, आप देख सकते हैं। और कालिदास सम्मान 2018 की बात करें, तो एंजोली एला मेनन को दिया गया, और जहाँ जो पिक्चर आपके सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि सम्मान और पुरस्कार से रिलेटेड आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने जो वीडियो बनाया और इसमें जो 5 क्वेश्चंस मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में हमें करो, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर हमें कीजिए, ताकि हमें इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आपको डेली न्यू वीडियोज मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और हाँ दोस्तों, इसका PDF जो होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करूंगा, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ताकि आपको सारी PDF एक साथ मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ गुड डे।